लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू अंडा करी। आलू जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वो अच्छा नहीं लगता ग्रेवी में, तो आलू किस तरह से आप फ्राई करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है, कोई झंझट नहीं है, बहुत चटपटी और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है, अंडा आलू करी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चार अंडे को बॉईल कर लिए हैं। इसमें हमने हाफ टी स्पून सिरका डाला था और नमक डाला था हाफ टी स्पून, ताकि अंडे फटे नहीं और अच्छे से उबल जाएं। और जब आप अंडों को छीलते हैं तो ये बढ़िया से छिल जाते हैं और ये मतलब इसका ये जो चमड़ी है ये निकलती नहीं है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ा सा। आटा डालेंगे और इसी में डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, थोड़ा कलर अच्छा आएगा इससे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला लग गया है। एक पैन रखा है हमने, इसमें तेल डाले हैं। चाहे तो आप सरसों के तेल में बना सकते हैं या रिफाइंड ऑयल में, जिसमें आपको पसंद हो उसमें आप बना लीजिएगा। और ये देखिए ये अंडे को जो हमने मैरिनेट किया हुआ है, इसमें हमने एक लंबा लंबा कट लगाया है, आपको दिखाना भूल गई। तो आप अंडों को फ्राई करने से पहले कट लगा लीजिएगा ताकि ये चटके नहीं। देखिए तेल गर्म हो गया है, फ्राई करते समय आप फ्लेम को मीडियम आँच पर रखेंगे ताकि अंडे धीरे धीरे फ्राई होंगे तो ये फटेंगे नहीं। और इसको ऐसे चलाते हुए उलटते पलटते हुए इसको लाल कर लेना है, फ्राई कर लेना है अच्छे से। अच्छे से इसमें कलर भी आ गया है, बहुत बढ़िया फ्राई भी हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया फ्राई हुआ है। और ये देखिए ये चार मीडियम साइज आलू है, इसको हमने बड़े बड़े पीस में काटा है। आप अंडा आलू बना रहे हैं तो बड़े बड़े पीस में आलू काटेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको भी इसी में कलर कर लेते हैं। आलू को फ्राई करके बनाएंगे तो इसका कलर जो बढ़िया आता है निखर के, वो आपका अंडा आलू करी बहुत अच्छा दिखता है। वरना आलू सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, अजीब कलर का दिखते हैं, वो देखने में इतने अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से फ्राई करेंगे तो जो अंडों में हमने कश्मीरी मिर्च मसाला जो भी डाला है उसका भी कलर आलूओं में आ जाएगा, तो बहुत टेस्टी दिखता है और देखने में खूबसूरत लगता है। पलटते पलटते हुए आलूओं को हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से। और जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो जब मैं मसाले के साथ पकाऊंगी तब पक जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, और जीरा डालते ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये देखिए बिल्कुल महीन चॉप करना है, आप चाहे तो चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। और ये चार मीडियम साइज प्याज है, इसको इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से लाल करना है प्याज को, बिल्कुल कच्चा ना रहे प्याज, वरना ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया लाल कर लीजिए इसको चलाते चलाते। और इसी के साथ हम डाल देंगे ये 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, इसको भी डाल देते हैं। इस तरह से प्याज को भून लेंगे। प्याज लाल आपको दिख रही होगी, ये देखिए लाल हो गई है प्याज, ब्राउन हल्की। और इस गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। और इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, और इसको भी हल्का सा ऐसे से चला लेना है। और बस इसको डालते ही हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। ये देखें इस तरह से डाल देना है और इसको भी इसी में चला लेना है।
लो फ्लेम में इसको फ्राई करिएगा अदरक को और कश्मीरी मिर्च को, वरना कश्मीरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है और तेल छोड़ दिया है, बढ़िया भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे, ये देखिए 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इनको हमने पेस्ट बना लिया है, इसको अब डालेंगे इसमें। और इन टमाटर के पेस्ट को भी हमें इन्हीं के साथ भून लेना है बढ़िया सा, जब तक टमाटर का कच्चापन ना खत्म हो जाए। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं और तेल छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इस तरह से टमाटर हमें भून लेना है। अब हम गैस को स्लो करेंगे, कुछ मसाले और डालेंगे, जैसे कि गरम मसाला है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून और ये कसूरी मेथी है और ये है 2 टीस्पून है धनिया पाउडर है और ये नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे और इसको भी इसी में भून लेंगे हम थोड़ी देर। मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और इसको भी मसाले के साथ 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। देखें मसालों के साथ आलू को भी हमने 1 से 2 मिनट तक भून लिया है और ये अब बहुत अच्छे से भून गए हैं। हम इसमें पानी डालेंगे आलूओं को पकाने के लिए, 1.5 गिलास पानी डालेंगे इसमें ताकि मसाले पानी में अच्छे से घुल जाएं और इसे 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से देखिए 10 से 15 मिनट हो गया, आइए देख लेते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से आलू पक गया है। अब इसमें हम लोग ये जो अंडा फ्राई किए थे इसको डाल देते हैं और इसको इस तरह से चला देते हैं। अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप गर्म पानी करके डाल सकते हैं। गरम पानी करके डालेंगे तो इसका पकने का प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा और टेस्ट भी बढ़िया बना रहेगा। अब इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। इस तरह देखिए 1 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए आलू अंडा करी बनकर तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है ये, मेरे स्टाइल में बना हुआ है, इसी तरह आपको रेस्टोरेंट में भी मिलता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।